और आप देख सकते हैं मूवीज में भी इसको दिखाया गया है। ये शाहरुख खान की मूवी जो आई थी डॉन मूवी जो आई थी, इसमें यहाँ पे शूटिंग भी है। ये मलेशिया के ट्विन टावर बेहतरीन नज़ारा। और मैं यहाँ पहुँचता हूँ, यहाँ पे अपने होटल से एक ट्रेन होती है जिसको कुआलालंपुर ट्रेन बोलते हैं, एक काइंड ऑफ आप मेट्रो समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैं मेट्रो लेता हूँ, फिर उसके बाद से एक ट्विन टावर की तरफ जाता हूँ। तो थोड़ा सा काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो ये देख सकते हैं खूबसूरत सा मेट्रो है और काफ़ी अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मलेशिया के आप कुआलालंपुर के माने तो काफ़ी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। तो मैं इस मेट्रो में मेट्रो लेके फिर जो ना ट्विन टावर की तरफ जाता हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस है लेकिन आई थिंक मुझे लगभग लगभग जो ना लग जाएंगे। तो देखिए ये जो है ना काफ़ी आप कह सकते हैं कि जो ना दो ट्रेनें आपस में लगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन का चेंज हो जाता है। मतलब मोनो रेल टाइप का है ये, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा आप MRT में जो ना मेट्रो में घूम रहे हैं। तो ये मोनो रेल टाइप का है और ये मतलब कुआलालंपुर में काफ़ी फेमस है ये मोनो रेल। और कुआलालंपुर में काफ़ी डिफरेंट टाइप के आपके ना सर्विसेज हैं। तो ये बाहर का नज़ारा है, मैंने इसको मोनो रेल को यहाँ से पकड़ लिया, उसके बाद से ना मैं जो KL टावर है, कुआलालंपुर टावर है, उसके तरफ जा रहा हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत सा ब्रिज है और काफ़ी मतलब कि कुआलालंपुर काफ़ी सिटी जो है ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, आई थिंक 2001 के करीब ना सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई थी, मेट्रो से लेके बड़ी बड़ी जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं। तो काफ़ी एक मैच्योर्ड काइंड ऑफ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खूबसूरत सा मिक्स है, ग्रीनरी भी है काफ़ी। इन्होंने इस पे ध्यान दिया है कि जो ना शहर में काफ़ी ग्रीनरी और पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखा है। तो अच्छा सा बिल्डिंग आपको ऊँची ऊँची इमारतें आपको दिख रही, तो मिक्स है यहाँ पे काफ़ी। आप अगर जाते हैं मेन आप KL कुआलालंपुर शहर की बात करेंगे तो काफ़ी एक डेवलप एरिया है इनका, तो आप पे पेड़ पौधे आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये अंदर का जो मोनो रेल का नज़ारा है आप देख सकते हैं, दूसरे ट्रैक से गाड़ियाँ पास कर रही हैं, इधर में आपका रोड जाता हुआ। तो बहुत ही अच्छा सा एक इनका एक वेल स्ट्रक्चर है जो ना आप कह सकते हैं कुआलालंपुर शहर को बसाया गया, क्योंकि अब शहर काफ़ी पहले बसा था। तो थोड़ी चीज़ें जो है ना आपको समय के साथ चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मेंटेन रखा है कुआलालंपुर को, ख़ास करके ना कुआलालंपुर को, कि गिनरी भी है आपका, ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं और डिफरेंट कंपनीज़ भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। तो काफ़ी एक फेमस आप कह सकते दुनिया में आपका कुआलालंपुर का नाम जो है ना काफ़ी गिने चुने जो है ना वर्ल्ड क्लास सिटीज़ में शुमार किया जाता है। तो ये सारा बाहर का नज़ारा है, अभी भी कुछ बिल्डिंगें जो ना बन रही है। तो अंदर का मोनोरेल का देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत सा इन्होंने बना रखा है। तो ये सारी चीज़, तो यहाँ से मतलब कि लगभग लगभग 10 से 12 मिनट का रास्ता है, तो इसी तरीके से हम चलते जाएंगे और ये खूबसूरत सा आप नज़ारा देखते रहिए शहर का, कितना खूबसूरत सा है, गिनरी है, पेड़ पौधे हैं। आप काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने इसका ध्यान दिया है कि गिनरी को ना बैलेंस किया है, कि आप देख सकते हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है, रोड बड़ी बड़ी है जो ना ब्रिज और फ्लाईओवर्स वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है। तो बेहतर शहर है, काफ़ी खूबसूरत सा एक तरह से कह सकते हैं कि ना शहर है, और शहर का मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर है, मतलब कि काफ़ी जो ना फैला हुआ है इनका सारा चीज़। तो अच्छा, मोनोरेल का जो डिज़ाइनिंग है, ये बैठने की जो सीट आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट, तो काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो इन्होंने इस तरीके से बनाया। तो ये मैं बाहर आ गया और इसके बाद से रैपिड KL बोलते हैं इसको ना, काफ़ी इनके डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज है, मोनोरेल है, रैपिड KL है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है, और सारे जो ये है प्राइवेट है यहाँ पर ना, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ, एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी है। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं KL टावर के पास, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है और आप देख सकते हैं मूवीज़ में भी इसको दिखाया गया है। ये एक शाहरुख खान की मूवी जो आई थी डॉन मूवी जो आई थी, इसमें यहाँ पे शूटिंग भी है, उधर भी चलेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारा जो है ना आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं कि जो ना यहाँ पे काफ़ी लोग तस्वीरें लेते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि फ़ोटो मतलब फ़ोटो खींचने वाले, तो काफ़ी एक तरह से ना। और अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, सनशाइन हो रखा है,
तो इस तरीके से ना ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है। मैं अंदर आपको लेके चलूँगा, सारी चीज़ें दिखाऊँगा उधर में क्या क्या चीज़ें हैं अंदर में। काफ़ी अच्छा मॉल है वहाँ पे, शॉपिंग मॉल बना रखा है ये खूबसूरत से, जो ना काफ़ी ऊंची इमारत है और दुनिया के जो ना बेहतरीन इमारतों में से इसका शुमार किया जाता है और बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। काफ़ी आप जो ना कुआलालंपुर टावर को काफ़ी आपने नाम सुना होगा, पिक्चर में भी देखा होगा किस तरीके से लोग जो ना यहाँ पे तस्वीरें निकालते हैं खींचते हैं, एकदम आसमान की ऊंचाई जो ना आसमान की बुलंदी छूते हुए दिखाई देती है ये। तो ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ पे आप पेड़ पौधे देख सकते हैं कि जो ना पेड़ पौधे लगा हुआ है और इन्होंने काफ़ी बैलेंस किया। एक चीज़ अच्छी बात है ना कि कुआलालंपुर में आप आएंगे तो आपको पेड़ पौधे दिखेंगे हर जगह जो ना, सारी चीज़ें दिखेंगी। तो अमूमी तौर पे यहाँ पे लोग यहाँ से पिक्चर खिंचाते हैं। अब इस वीडियो में इसको यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको अंदर लेके चलेंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।